वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उनके पैर के नीचे तो जमीन निकल चुकी है। तो मैं आज इस मंच से आपके सामने एक ऐलान करता हूं, हमें इस चुनाव को किस नजरिए से देखना चाहिए और किन मुद्दों को हमको इन चुनाव के अंदर सामने रखना चाहिए। और स्टेज पर बैठे हमारे अफसर खान साहब, जावेद कुरैशी साहब, अमित भाई, योगेश भाई, मनोज भाई, हमारे सतीश भाई और स्टेज पर बैठे हुए सभी को मैं जो है सलाम करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है, हमारे मुखालिफिन अलग अलग तरीके से जो है तो अफसर खान साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर डकैती के केस और गुंडे अफसर खान, उनके ऊपर जो है तो दारू की दुकानों फोड़ने का केस और गुंडे अफसर खान को साबित करना चाह रहे हैं। वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उनके पैर के नीचे तो जमीन निकल चुकी है। औरंगाबाद के गयूर मुसलमानों ने उन्हें 10 साल का जो है तो इस्तेदार दिया, उन्हें पहले जो है तो इम्तियाज जलील को आमदार बनाया, बगैर पैसों के बनाया, ज़कात खैरात चंदे के पैसे उनको देके उनको आमदार बनाया, उसके बाद उनको खासदार बनाया। ये यहाँ के किराड़पुरा और बैजीपुरा के लोगों का सबसे ज्यादा मेहनत थी। मैंने भी 19 का आमदार का इलेक्शन लड़ा, मुझे मालूम है यहाँ के लोग कितने जज्बाती है और यहाँ के लोगों ने अपने जेब के पैसे लगाकर उनको जो है तो चुना के दिया। उसके बाद उन्होंने जब फॉर्म को जरूरत पड़ी, जब फॉर्म पे आफत आई, जब फॉर्म पे मुसीबत आई, पुलिस ने बेतहाशा जुल्म किया, यहाँ पे लाठीचार्ज हुई और जो है तो गाड़ियां जलाई गई, गाड़ियां किसने जलाई किसी को नहीं मालूम। इम्तियाज जलील ने यहाँ के नौजवान मुसलमानों पे इल्जाम रखा जो कि यहाँ के गैर मुस्लिम, जबकि FIR के अंदर ये नाम था कि दो गुटों में झगड़ा है हिंदू और मुसलमान, तो एक भी हिंदू को जो है तो अरेस्ट नहीं किया गया। इम्तियाज जलील के एक स्टेटमेंट से पूरे खौफ के नौजवानों पे आफत आई। उस वक्त पे उनका ये स्टेटमेंट था कि जो है तो यहाँ पे कोई आगे नहीं आएगा, तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली, तुमने गलतियां की, तुमने पुलिस पे हमला किया, पुलिस ने 2 करोड़ को गवर्नमेंट का नुकसान बताया। उस हिसाब से जो है तो जो कानून के जानने वाले हैं, जो बड़े बड़े वकला है, जो बड़े बड़े सियासतदान थे, उन्होंने ये बताया था कि कम से कम 6 महीने बच्चे बाहर नहीं आएंगे, मगर अल्लाह ने किस गरीब माँ बहनों की दुआ को कबूल किया और अफसर खान को जो है तो वहां पे लाके खड़ा किया। हर मुसीबत में अफसर खान ने जो है तो सफे अव्वल में मुसलमानों के वास्ते खड़े हुए। आज से नहीं, 30 साल से 25 साल से वो काम कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है इसलिए हर बात मालूम पड़ रही है। मैं जो है तो ये बताना चाहूंगा कि जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अफसर खान ने उस वक्त से मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए और कौम के लिए हमेशा सफे अव्वल में रहे। आज जो है तो उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके ऊपर 25-25 के उनके कारपोरेटर जो है तो औरतों को नंगे कर रहे हैं और अफसर खान गुंडा है, उनके कारपोरेटर औरतों को नंगी वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और अफसर खान गुंडा है। अरे कहाँ का इंसाफ है भाई, ये कहाँ का इंसाफ है? उनको इस्तेदार में देने के बाद उन्होंने जो है तो मुसलमानों को नुकसान के सिवा कुछ नहीं दिया, उनको इस्तेदार में देने के बाद उन्होंने मुसलमानों को तकलीफ और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया। मुसलमानों को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ दवाखाने और कोर्ट और पुलिस स्टेशन में काम आ जाओ, वो तुम्हें दुआओं से नवाजते हैं। आज जो है तो अफसर खान गली से दिल्ली के नेता बन चुके हैं, ये सिर्फ यहाँ की माँ बहनों की दुआ का नतीजा है और उन नौजवानों की दुआ का नतीजा है जो जेलों में रमजान के अंदर तड़प तड़प के अपने घर वालों के लिए रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे और उनकी माँ बहनें कोर्ट के अंदर बेहोश हो रही थी रोजे की हालत में, क्योंकि हमारा जमीर इतना मर चुका है कि उनकी दुआओं को और उनके तकलीफों को समझने वाले अफसर खान के साथ न दे। क्या MIM ने जो है तो यहाँ का ठेका ले रखी है, अब 2 बार उनको इस्तेदार में दे चुके हैं, अब उनको बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। यहाँ बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं जो है तो सबसे ये इल्तिजा करूंगा कि जो है तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते जो है तो आने वाली 13 तारीख को वंचित बहुजन आघाड़ी के अतिभूत उम्मीदवार अफसर खान साहब को गैस सिलेंडर के 4 नंबर को बटन दबा के इनको जो है तो अपने को दिल्ली पहुंचाना है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अपनी मफाद के लिए समाज को बेचने वाले को आपको बायकॉट करना होता। आज मैं सलाम करता हूं इस किराड़पुरा रहमानिया के नौजवानों को, सलाम करता हूं कि जब समाज के ऊपर, जब समाज के ऊपर किसी भी तरीके की मुसीबत आती है तो यह
शर्म करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि बटन बियर है, अरे ये गयूर नौजवान है जो बुरे हालात में रास्ते पर आते हैं। शर्म आना चाहिए कि क्या कह रहे हैं आप। अरे मुसलमानों के जज्बों को इस तरीके से खत्म मत करो। बार बार आते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो, रसूल के नाम पे दे दो, क्या लगा है? अरे औरंगाबाद की ये गयूर मुसलमानों ने हर बार कुछ ना कुछ किसी ना किसी को दिया है। ये औरंगाबाद शहर बुजुर्गाने दीन का शहर, गयूर मुसलमानों का शहर, जिसने हर बार किसी को किसी को कुछ ना कुछ दिया है। तो मैं आज इस मंच से आपके सामने एक ऐलान करता हूं कि बार बार किसी को बाहर वालों को दिया है, जिसकी पहचान नहीं उसको दिया है। अरे ये तुम्हारे लोकल का है, कभी भी कालर पकड़ कर उससे जो काम मनवाना है मनवा लेना। मैं 13 तारीख को आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली 13 तारीख को गैस सिलेंडर का आवाज, उसका धमाका इस तरीके से होना चाहिए कि इंतजार जलील और असदुद्दीन आवेसी जब काम पर आवा अपना हाथ रखे और आंख बंद करे तो उसे औरंगजेब की मजा दिखना चाहिए। हम औरंगाबाद के गयूर मुसलमान हैं। हम किसी बजरंग दल आरएसएस बीजेपी से डरने वाले लोग नहीं है। अरे चंद वोटों के खातिर तुम उस बुजुर्गाने दीन को कहते हैं कि गले मिले पढ़ले। अरे ये शेर, ये तमाम शेर जब भी वक्त हालात आएगा तो बता देंगे कि औरंगजेब की मोहब्बत इनके दिल में कितनी है। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा कि आने वाली 13 तारीख को अफसर खान साहब को बहुमत से जिताइए और अपना जो हक का जिम्मेदार है उसे हक देने का काम कीजिए। अल्लाह हाफिज। और स्टेज पर बैठे हमारे अफसर खान साहब, जावेद कुरैशी साहब, अमित भाई, योगेश भाई, मनोज भाई, हमारे सतीश भाई और स्टेज पर बैठे हुए सभी को मैं जो है सलाम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है। हमारे मुखालिफिन अलग अलग तरीके से जो है तो अफसर खान साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर डकैती के केस और गुंडे अफसर खान, उनके ऊपर जो है तो दारू की दुकानें फोड़ने का केस और गुंडे अफसर खान को साबित करना चाह रहे हैं। वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उनके पैर के नीचे तो जमीन निकल चुकी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शहर औरंगाबाद के बाज़ौक लोग, बाफिकर लोग जो ये जानते हैं कि इन दिनों लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है, हम सियासी प्रतिक्रिया के बीच में आ चुके हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से आज हमारे अपने शहर, हमारे अपने महल्ले में वंचित बहुजन अघाड़ी का ये सभा ये ऐलान करती है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा के चुनाव होना है, उन लोकसभा के चुनाव को एज अ मुस्लिम हमको किस नजरिए से देखना चाहिए और हमें इस चुनाव को किस नजरिए से देखना चाहिए और किन मुद्दों को हमको इन चुनाव के अंदर सामने रखना चाहिए। क्योंकि चुनाव यकीनन एक दिन में खत्म होता है, लेकिन चुनाव के असरात 5 साल तक हम पे पड़ते रहते हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के लाल के नेता अरे जनाब अमित भाई भुईगढ़ हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं अमित भाई का इस्तकबाल करता हूं।
लोकसभा का चुनाव मजाक में उड़ाने का चुनाव नहीं है। लोकसभा का चुनाव ये तय करेगा कि आने वाले दिनों की हुकूमत हम पे क्या कानून लागू करेगी, आने वाली हुकूमत संविधान के अंदर क्या बदलाव करेगी और क्या बदलाव नहीं करेगी। क्योंकि जो हुकूमत इन दिनों हिंदुस्तान पे काबिज है, उसने जो भी कानून बनाया वो हिंदुस्तान की जनता के मुखालिफ में रहा। जनता उसके कानून के मद्दे मुकाबिल सड़कों पर उतरी, किसानों के लिए कानून बने, किसान सड़कों पर उतरा कि ये कानून हमें मंजूर नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से ये जताने की, ये बताने की कोशिश की गई कि ये कानून किसानों के हक में है, जबकि किसानों ने उन कानूनों को मानने से इनकार किया और सड़कों पर उतरे। मुसलमानों के सिलसिले में 3 तलाक का कानून पास किया गया, मुसलमान सड़कों पर उतरा, ये बताया कि ये कानून हमें मंजूर नहीं, ये कानून हमारे हक में नहीं, ये कानून शरीयत के अंदर खिलाफ वर्जी पैदा करता है। लेकिन ये हुकूमत मानने को तैयार नहीं और उन्होंने हम पर ये कानून को थोपा 3 तलाक का। उसके बाद इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान में CA NRC NPR के नाम से सोचा छोड़ा गया कि हम NRC करेंगे। जिस मुल्क के अंदर आपको सेंसेक्स करना चाहिए था, जिस मुल्क के अंदर आपको पॉपुलेशन की गिनती करनी चाहिए थी, जिस मुल्क के अंदर आपको हर 10 साल में सेंसेक्स करना जरूरी था, उस मुल्क में आपने पिछले 15 सालों में सेंसेक्स नहीं किया। लेकिन एक शोशा जरूर छोड़ा कि हम CAA NRC और NPR लेकर आएंगे और हम बताएंगे, हम कागज मांगेंगे कि बताओ तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। इस कानून को मानने से इस देश के लोगों ने मना किया, हुकूमत मानने को तैयार नहीं। और जो है तो फिर हमारे लोग सड़कों पर उतरे, गली से लेकर दिल्ली तक शाहीन बाग के नाम पर हमारी बहनें, हमारी माएं सड़कों पर सर्द रातों में बैठी रही, लेकिन इस जालिम हुकूमत पर, इस जालिम हुकूमत की कान पर जू तक नहीं रहेंगी। इलेक्शन शुरू होने से कब UCC का अनाउंसमेंट होता है, देश मुखालिफ में है, देश कहता है हमें UCC नहीं चाहिए, लेकिन हुकूमत अपनी आदत खराब होने की वजह से जनता की सुनने को तैयार नहीं और वो जबरदस्ती हम पे UCC लागू करने पर लगी हुई है। इन तमाम मुद्दों को याद दिलाने की वजह क्या है? क्योंकि इन तमाम मुद्दों में हमें देखना होगा कि इन तमाम मुद्दों के सिलसिले में हमारे कंधे से कंधा लगाकर कौन खड़ा था। हमें देखना होगा कि आने वाले 5 सालों में हमारी नुमाइंदगी लोकसभा के अंदर किसने करनी चाहिए। हम पर इमोशनल अत्याचार हो सकते हैं, हमें सेंट्रल का खौफ दिखाया जा सकता है, लेकिन मैं मुसलमानों से कहता हूं कि मुसलमान बाज़ौक कौम होती है, और अगर बाज़र और बाज़ौक कौम ही बगैर सोचे वोट दे सिर्फ जज्बात में आकर, तो उस कौम को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि हमारे खिलाफ कानून क्यों पास होते हैं। हम अपनी हुकूमतें तय नहीं कर पा रहे। किसी ने क्या खूब कहा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। हम लोग किसी के जीत पे रो रहे कि 10 साल हो गए BJP की हुकूमत सत्ता में बैठी हुई है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि क्यों 10 साल होने के बावजूद भी BJP की हुकूमत सत्ता में बैठी हुई है। इस मुल्क के अंदर हमारी तादाद
15 से 20% है और इलेक्शन का रिजल्ट 35 से 40% में तय होता है, यानी के हमारे वोट आधा रिजल्ट तय करते हैं कि हम आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन 20% हम होने के बावजूद हमारे खिलाफ की सरकारें किस तरह सरकारों में बैठ जाती है और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, इस बात के ऊपर हमको सोचने की जरूरत है।